सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? भाई हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के शुरू में आपको गूगल फोटोज एप्लीकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि गाइस हमारे फोन में एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है गूगल फोटोज एप्लीकेशन। काफी सारे लोग इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, इसके फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वो इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके फीचर्स के बारे में जान लोगे तो आप खुद ही बोलोगे कि यार काश इसके बारे में पहले पता होता, क्योंकि गाइस आप इस एप्लीकेशन में अपने फोटोज को लाइफ टाइम तक के लिए सेव कर सकते हो, कभी भी आपका फोटो डिलीट नहीं होगा। इसके साथ में आप डिलीटेड फोटोज को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। इस तरह के आपको काफी सारे फीचर्स इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जिन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं इसको आप डेली यूज कर सकते हो, डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल फीचर्स हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपके फोन में फोटोज नाम से एक एप्लीकेशन होगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन में आप अपने गैलरी के सभी फोटोज को अपलोड कर सकते हो। लाइफ टाइम तक के लिए आपके जो फोटोज हैं वो अपलोड हो जाएंगे, कभी भी फोटोज डिलीट नहीं होंगे। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, खराब हो जाता है, तो दोस्तों आप अपने जीमेल अकाउंट को दूसरे फोन में लॉग इन करोगे, आपके सभी फोटोज दोबारा से वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको लाइफ टाइम तक के लिए अपने फोटोज को सेव करना है। तो सिंपली यहां पर हम एक फोटो क्लिक करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हमने एक फोटो खींच लिया है, ओके, तो ये फोटो हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। अब हम गूगल फोटो एप्लीकेशन में ओपन करते हैं, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हम गैलरी को ओपन करते हैं। तो यहां पर हमने गैलरी को ओपन किया, आप ये फोटो देख सकते हो, ठीक है, यहां पर है, अभी अभी हमने इसको खींचा है। अब हम गूगल फोटो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो गूगल फोटो एप्लीकेशन में भी ये फोटो शो हो रहा है, ठीक है। इसको अपलोड करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, ये जो फोटो है ये गूगल फोटो एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको फोटो को अपलोड कर दे रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहां पर जो आइकन था वो गायब हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये जो फोटो है ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब हम गैलरी से इस फोटो को डिलीट कर देते हैं। तो यहां पर हमने गैलरी से इस फोटो को डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब हम गूगल फोटो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो डिलीट करने के बाद भी ये फोटो गूगल फोटो एप्लीकेशन में सेव है। इस तरह गाइस आप अपने फोटो को लाइफ टाइम तक के लिए सेव कर सकते हो, ठीक है। ये तो रहा पहला ट्रिक कि कैसे हमें गूगल फोटो एप्लीकेशन में फोटोज को अपलोड करना है, सेव करना है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या हम इन फोटोज को एक साथ में गूगल फोटो एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर एक सेटिंग मिलेगा, फोटोज सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पर एक सेटिंग मिलेगा, बैकअप एंड सिंक, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां से आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। दोस्तों जब आप इस सेटिंग को ऑन करोगे आपके गैलरी के सभी फोटोज गूगल फोटो एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो दोस्तों आपके सारे फोटोज तो अपलोड हो जाएंगे, आपका इंटरनेट डेटा खत्म हो जाएगा, आपको इस चीज का नुकसान होगा। क्योंकि जब आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे जैसे ही आप कोई भी फोटो क्लिक करोगे, कैप्चर करोगे, तो दोस्तों वो फोटो ऑटोमेटिक गूगल फोटो एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, आपका इंटरनेट डेटा खत्म हो जाएगा। इसके लिए गाइस आपको यहां पर एक सेटिंग करना होगा, क्योंकि गाइस काफी सारे लोगों की यह शिकायत होती है कि हमारा जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो सिंपली आपको गूगल फोटो एप्लीकेशन को ओपन करना है, बैकअप एंड सिंक को ओपन करना है। आप यहां पर एक बार चेक कर लो कि कहीं ये जो सेटिंग है ये ऑन तो नहीं है। अगर आपके गूगल फोटो एप्लीकेशन में ये सेटिंग ऑन है तो दोस्तों आपके गैलरी के सभी फोटोज गूगल फोटो एप्लीकेशन में अपलोड हो रहे होंगे, इसलिए आपका इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है। अब दोस्तों आपको यहां पर सेटिंग करना है। आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल डेटा यूजर्स, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आप लिमिट सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिक फोटोज को अपलोड करना चाहते हो
तो आप यहां पर लिमिट भी सेट कर सकते हो कि आप एक दिन में ऑटोमेटिक कितना एमबी का डेटा यानी फोटो अपलोड करना चाहते हो। आप यहां पर 5 MB कर सकते हो, 10 MB कर सकते हो, 30 MB कर सकते हो, अनलिमिटेड, ठीक है। यहां पर आप लिमिट सेट कर सकते हो, जितना लिमिट आप सेट करोगे सिर्फ उतने MB के फोटोज ही अपलोड होंगे। तो दोस्तों इस तरह आप लिमिट को सेट कर सकते हो। अगर आप यहां पर नो डेटा कर दोगे तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं होगा। अगर आप यहां पर 5 MB करोगे तो 5 MB के फोटोज अपलोड होंगे, 10 MB के होंगे, 30 MB के होंगे, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उतने MB के डेटा यहां पर अपलोड होंगे। यहां पर अगर आप अनलिमिटेड कर दोगे तो दोस्तों जब तक आपका इंटरनेट डेटा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक फोटोज अपलोड होते रहेंगे। या तो आपके सभी फोटोज अपलोड हो जाएंगे या इंटरनेट डेटा खत्म हो जाएगा। इस तरह आप यहां पर सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग मिलेगा, अपलोड साइज, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ओरिजिनल क्वालिटी, स्टोरेज सेवर, एक्सप्रेस। दोस्तों अगर आप अपने फोटोज को ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड करना चाहते हो तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहां पर काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे। आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलेगा, पार्टनर शेयरिंग, ठीक है। ये जो फीचर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि इसका आखिर यूज क्या है, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप अपने फोटोज एप्लीकेशन के फोटोज को किसी को शेयर करना चाहते हो, किसी दूसरे फोन में शेयर करना चाहते हो, दूसरे फोन में देखना चाहते हो, दोस्तों अब आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा 2 का, यहां पर आप जीमेल अकाउंट डाल सकते हो। जिस भी जीमेल अकाउंट पर आप अपना फोटो शेयर करना चाहते हो आपको यहां पर जीमेल अकाउंट डाल देना है। दोस्तों उस जीमेल अकाउंट पर आपके फोटो शेयर हो जाएंगे। वो जो जीमेल अकाउंट है जिस भी फोन में लॉगिन रहेगा उस फोन में आप अपने सभी फोटोज को देख सकते हो। ये तो रहा फीचर, ठीक है। इस तरह आप इस फीचर को यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इसका मिस यूज भी हो सकता है। आपको यहां पर चेक करना है कि कहीं किसी दूसरे का जीमेल अकाउंट यहां पर लॉगिन तो नहीं है, किसी ने अपना जीमेल अकाउंट यहां पर लॉगिन तो नहीं कर रखा है। हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा अपना जीमेल अकाउंट यहां पर डालकर आपके सभी फोटोज को देख रहा हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहां पर आपको कोई अननोन जीमेल अकाउंट दिखे आपको उसको डिलीट कर देना है। इस तरह गाइस आपको इस चीज को चेक करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहां पर बैक आना है। बैक आने के बाद भी आपको काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, सेटिंग्स मिलेंगे। दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप अपने डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हो। जैसे यहां पर हम कुछ फोटोज डिलीट कर देते हैं, जैसे इन फोटोज को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने इन फोटोज को डिलीट कर दिया है। अब दोस्तों आप इन फोटोज को दोबारा से वापस ला सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ठीक है। आपको यहां पर लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेस का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर आप देख सकते हो जिन फोटोज को हमने डिलीट किया था यहां पर सेव है, ठीक है। आप यहां से इन फोटोज को रिकवर कर सकते हो। इस तरह आपको सेलेक्ट करना है और रिस्टोर पर क्लिक करना है, ये सभी फोटोज रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे यूजफुल फीचर्स मिलेंगे। आपको यूटिलिटीज पर क्लिक करना है। यहां पर आपको नीचे काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, एनिमेशन, कॉलेज, मूवी। दोस्तों आप यहां से अपने फोटोज का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉलेज फ्रेम का, आप यहां से फोटो फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। आपको यहां से फोटोज को सेलेक्ट करना है। जैसे यहां पर हम कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो हमारा फोटो फ्रेम क्रिएट हो चुका है। इस तरह गाइस आप अपने फोटोज का फोटो फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, जो कि देखने में काफी स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। इसके साथ में आप यहां पर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो अपने फोटोज का, मूवी क्रिएट कर सकते हो। आपको काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।